मेरा नाम राजेंद्र अलबेला है, मैं सुल्तानपुर जिले से रहने वाला हूँ। इस फिल्म का कहानी और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग मैं ही लिखा हूँ और प्रोड्यूसर भी हूँ। ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी होती है और इतना बड़ा बोझ लेके चल रहे हैं, कितना सक्सेस हो पाएंगे, कितनी उम्मीदें हैं आपको, क्या कहना चाहेंगे? जी, इस फिल्म से मेरे को बहुत उम्मीद है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मैं बहुत सारी मूवियां कर चुका, लेकिन मैं सोचा कि चलो इस फिल्म में मैं मेहनत करके अपना ही खुद से कहानी लिखूं, खुद से फिल्म बनाऊं, जो दूसरे की फिल्म में इतना मैं मेहनत करता हूं, अपनी फिल्म करूं। इसके लिए मेरे को बेहद खुशी है और ये फिल्म जो है ऑडियंस जो है बेहद पसंद करेगी। टीम कैसी मिली है आपको? आपने आर्टिस्ट सब चुने, एक एक को चुन के लेके आओ, बहुत दूर दूर से सबको छाटा है, बड़े तो कितना। एक्चुअली क्या है, मेरे जितने दोस्त हैं इस फिल्म में, मेरे साथ जितने हैं सब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे सर्कल हैं, और इसमें हमारे रंगलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देना चाहता हूं कि वो आज जो हमारे फिल्म में वो बेचारे डायरेक्शन के लिए तैयार हुए हैं, और हमारे वेद भैया भी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग है, और नूर जी भी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग है, और हमारे भी सोहेल जी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग है, और इस मूवी में अकबर दीवाने जी भी हैं, उनका भी बहुत सहयोग है। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने हमारे आए हुए भाई हैं वो मेरे से खुश रहें और मेरी फिल्म को आगे बढ़ाएं, यही मैं चाहता हूं। कहां कहां शूट होगा इस फिल्म का? इस फिल्म का एक्चुअली क्या है, मैं 3 जगह लोकेशन रखा हूं, सुल्तानपुर जिले है, फैजाबाद है, और प्रतापगढ़ जिले में करना चाहता हूँ। यूपी में पूरी फिल्म का एंड वहीं कर देना चाहता हूँ। तो ये रिलीजिंग की अगर बात करें तो इस साल के लास्ट तक या अगले साल कब तक रिलीज करेंगे? जी, ये फिल्म जो है, मैं जहाँ तक है, फिल्म बनने के 2-3 महीने बाद जो है इसका काम चालू हो जाएगा, और भगवान ने चाहा तो 5-6 महीने में ही रिलीज कर दूंगा इस मूवी को। थैंक यू जी। नाम तो सर रंगलाल आर निषाद, और इस फिल्म से जुड़े हम लोग बहुत पहले अलबेला जी, राजेंद्र कुमार अलबेला, हम लोग अलबेला जी के नाम से उनको जानते हैं, अपने टीम के, और हमारे साथ शूटिंग वूटिंग कर रहे थे फिल्म में, हमारे कई बार काम किए साथ में, उसी हिसाब से जुड़े हम लोग, और फिल्म बनाने का प्लान इन्होंने झारखंड में किया, तो आते आते अब मुहूर्त तक पहुंच गए हम लोग, अब शूट में पहुंच रहे हैं इसके बाद। डायरेक्शन सर देख रहे हैं आप, कितना कंपटीशन है यहाँ पे, करेंगे हम लोग नई ऊर्जा और नई सोच, बढ़िया तरीके से करेंगे, कुछ अच्छा देंगे चेंजेस। ठीक है सर, बस सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म में, कैसे जुड़े, उसके बारे में बताओ। मेरा नाम इरफान अंसारी है, और मैं अलबेला जी को काफ़ी साल से जानता हूँ। मैंने एक फिल्म किया था झारखंड टू मुंबई, तो वो मेरे काम से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो उस फिल्म में काम देखकर उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ करेंगे, तो मैं बोला ठीक है करूँगा, एक गिरते हुए को सहारा देना अच्छी बात है ना। तो और कहानी कॉमेडी है, अभी तक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ हट के मैं लिखाऊं, और एक कैरेक्टर इसमें है विलन का, वो मैं निभाना चाहता हूँ इसमें, और अच्छी तरह से तैयारी तो फिलहाल अभी स्क्रिप्ट के पढ़ने के बाद ही करूँगा, ऐसी है कि कोशिश करूँगा अच्छे काम करने का। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और इस फिल्म पे किस तरह से जुड़े हैं आप, उसके बारे में। सर मेरा नाम सुहेल अहमद है, और ये फिल्म बहुत बड़ा हंगामा जो है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसमें, बहुत अच्छी कहानी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। थर्ड हीरो का मैं काम कर रहा हूँ सर, और जो हमारे अलबेला भाई और दीवाने भाई के साथ काम कर रहे हैं, हमको खुशी है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्टों के साथ मैं काम कर रहा हूँ सर। इससे पहले भी कभी काम किया? जी सर, मेरी पहली फिल्म है। पहली फिल्म जी सर? जी सर, हमारी तैयारी मतलब अभी भी चल रही है, और तैयारी पहले से भी थोड़ी बहुत थी सर, और हम और जी सर हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा कैरेक्टर उसमें करें जो पब्लिक को पसंद आया सर। मैं एक कराटे मास्टर हूँ, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। इस फिल्म में मैं अभी, इसमें 3 हीरो हैं, तीनों हीरो को मैं कराटे सिखा रहा हूँ, और थोड़ा नहीं, एक्चुअली तो एक्शन डायरेक्टर अभी
उनका डिसाइड नहीं हुआ है, बट हो जाएगा तो उनका भी जो भी है उनको अब अलविदा जी कर लेंगे। ठीक है जी जी, तो ये इस स्टोरी में हो सके तो मैं भी नेगेटिव रोल करूँगा और बहुत अच्छा करूँगा, और मैं चाहूँगा ये स्टोरी को आप लोग सबको ही मेहनत करिए, सबको ही मेहनत करके एक हटके ये स्टोरी है, अलविदा जी ने बताए थे से बहुत अच्छा स्टोरी है, आप चलिए सुनिए। तो इन्होंने मुहूर्त में बुलाए मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, उनसे उपकार है से मुझे बुलाए हैं, और ये स्टोरी मैं सुन के यहाँ पे आया हूँ से बहुत बड़ा हंगामा, तो इसका मतलब आप लोग ज़रूर इस फिल्म में मेहनत करिए और बहुत बड़ा हंगामा को सुपर डुपर हिट करिए। मेरा नाम गोपाल पांडे है, मैं भोजपुरी पिक्चर 10 बार पिक्चर कर भी चुका हूँ, और अलविदा जी हमारे दोस्त हैं, करीब कराने वाले हैं। इस पिक्चर मैंने दलाल का करेक्टर कर रहा हूँ जी। अरे सर कठिन है तो हो जाएगा सर ना, वो तो अपने ऊपर रहता है सर। वैसे मैं 10 बार भोजपुरी पिक्चर भी कर चुका हूँ, तैयारी हो जाएगा सर, वो तो है मेरे पास। सर जी तो अभी फिलहाल कोई पिक्चर मेरी मूवी नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मेरा नाम शुभम शर्मा है, मैं सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ, और ये मेरा फर्स्ट मूवी है, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के सामने हाय फिलहाल बहुत अच्छी मूवी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। सर तैयारी तो चल रही है बट अभी थोड़ा टाइम जाएगा सर जी। नहीं सर है, छोटा मोटा रोल है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देता फिलहाल, और तो ये मेरा फर्स्ट मूवी है सर। उम्मीद है तो बहुत है, सबसे ज़्यादा मेरे डैडी जी का, वही जो आज कुछ हूँ यहाँ पे तो अपने डैडी जी की वजह से जी सर, उन्हीं की वजह से यहाँ पे आज हम यहाँ पे हैं सर जी। सर मेरा नाम वेद सिंह है, हम ये तो कहेंगे कि एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत अच्छा किरदार निभा रहे हैं और अच्छा लग रहा है इसमें, ये जिसमें मेरा तो मेन करेक्टर है लीड रोल का जी। ये हमारी एक मूवी आ रही 27 अप्रैल को, ये भू माफिया हिंदी मूवी, और हमने एक मूवी अभी नेक्स्ट में किया, नेक्स्ट महीने में, और भोजपुरी फिल्म है अत्याचार, जो कि अभी टाइम लगेगा आने में जी। हम इसके लिए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है इस फिल्म की तैयारी करने के लिए, और बहुत अच्छा भी लग रहा है। हमारी इस फिल्म से तो बहुत आशाएं हैं, हम अपने ऑडियंस को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमसे वो बहुत खुश रहें, मैं यही चाहूँगा कि वो लोग बहुत अच्छे से हमें मतलब वो प्यार दें। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है। मेरा नाम नबीनूर मंसूरी है, नीमच एमपी से हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म में काम करने के लिए, हमको बहुत बढ़िया फिल्म बनेगी ऐसा हमको पूरी आशा है। कितनी तैयारी की है फिल्म को लेकर आप? तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है इसके लिए, अभी और भी तैयारी चल रही है, और आपको इस फिल्म से काफी बहुत अच्छा रहेगा इस फिल्म का। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai, is par kuch roshni daliye.
रोशनी लीडर के साथ अपने आप चलती है, और हम क्या रोशनी डालेंगे उसके ऊपर। एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है। हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं। तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं। लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता? ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं। इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी। दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशंस।